बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और दोनों ही नेताओं की मुलाकात जारी है। ये बड़ी खबर, बिहार से सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और दोनों ही नेताओं की मुलाकात जारी है, बातचीत चल रही है। बड़ी खबर बिहार से, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। और इस बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पटना पहुंचे हैं। गया कार्यक्रम से वापस राज्यपाल पटना लौट आए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सुबह ही राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गया के लिए रवाना हुए थे। गया के कार्यक्रम में राज्यपाल शामिल हुए और अब वे वापस पटना लौट आए हैं, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की मुलाकात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गया से वापस पटना लौट आए हैं, ये बड़ी जानकारी। राज्यपाल वापस गया के कार्यक्रम से पटना लौट आए हैं। और इस बीच एक और जानकारी दे दें, नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों ही डिप्टी सीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात जारी है, ये बड़ी खबर बिहार से। कैबिनेट विस्तार के हलचल के बीच नीतीश कुमार और दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात चल रही है और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर भी गया के कार्यक्रम से वापस पटना लौट आए हैं। और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, हलचल देखी जा रही है, एक तरफ नीतीश कुमार की दोनों ही डिप्टी सीएम से मुलाकात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल गया के कार्यक्रम से वापस पटना लौट आए हैं। बिल्कुल रश्मि, और दो जो डिप्टी सीएम हैं बिहार के, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, पहले सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस समय आराम कर रहे थे, लेकिन जैसी ये सूचना मिली कि सम्राट चौधरी उनसे मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री अभी अभी जो बाहर में जो ऑफिस है मुख्यमंत्री का, वहाँ पे आके मुलाकात चल रही है। और कुछ मिनटों बाद ही विजय सिन्हा जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो पहुँचे हैं। हम तस्वीरें दिखाते हैं मुख्यमंत्री आवास की, और यहाँ पे चहलकदमी बढ़ी है मुख्यमंत्री आवास पर, क्योंकि जैसी खबरें मिल रही है कि किसी भी समय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन बेहद ही जिम्मेदारी के साथ हम न कोई तारीख न कोई समय निर्धारित कोई ऐसी सूचना नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि आधिकारिक तौर पर इस तरीके के कोई भी संकेत नहीं दिए गए हैं कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन जो सूचना मिल रही है कि बीजेपी की जो सूची है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि जो बीजेपी अपने जो मंत्रिमंडल के साथी, जो नए साथी जुड़ने वाले हैं, उनकी सूची सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री को, तो इस बाबत बातचीत चल रही है। काफी महत्वपूर्ण है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की मुलाकात जो हो रही है, इस मुलाकात के बाद जब बाहर वो निकलते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि 4 बजे कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बात की चर्चा होगी कि जो कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होने वाला है, उससे पहले क्या कुछ बड़ी घोषणाएं बिहार की सरकार करेगी, क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 4% जो डीए बढ़ोतरी हुई है, केंद्र सरकार ने जो बढ़ोतरी की है उसको अमली जामा पहनाया है, तो अब बिहार की सरकार भी चाहती है कि जो रमजान और होली के मौके पर लोगों को बड़ा तोहफा महंगाई भत्ता पर दिया जाए, तो 4 बजे कैबिनेट की बैठक है, कई मुद्दों पे कई एजेंडों पे मुहर लगेगी। लेकिन उससे बड़ी जानकारी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मिलने पहुंचे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है वो
कब होना है, क्या कुछ मंत्रियों की जो सूची है क्या वो तैयार हो चुकी है, ये सारी जो अटकलें चल रही हैं इस पर से पर्दा तभी उठेगा जब सम्राट चौधरी विजय सिन्हा बाहर निकलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम ये कहते हैं कि जब तक इस बात की आधिकारिक घोषणा न की जाए हम ये नहीं चला सकते कि तारीख और समय कब मंत्रिमंडल विस्तार का होगा। लेकिन जो जानकारी जो कयास लगाए जा रहे हैं ये लगता ये है कि बहुत जल्द ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है, लेकिन 4 बजे कैबिनेट की जो बैठक है उस पर भी सबकी नजर है। बिल्कुल अमित, नजर बनाई रखिए, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर बिहार से, नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा पहुंचे हैं, मुलाकात जारी है। और इस बीच राज्यपाल गया कार्यक्रम से वापस पटना लौट आए हैं, तो आज का दिन महत्वपूर्ण, शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक भी होनी है। और लगातार कशिश न्यूज पर दिन भर क्या कुछ बिहार में राजनीतिक हलचल देखने को मिलती है इसकी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।